सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में सपा सरकार में गरीबों को पक्की छत मुहैया कराने के लिए जिले के छिबरामऊ कस्बा में शंकरपुर रोड स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय के पास असरा योजना के तहत आवासों का निर्माण कराया गया था। करीब 26 करोड़ की लागत से 444 आवासों का निर्माण कराया गया था। अभी तक गरीबों को आवास आवंटित न होने से सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। आवास आवंटित किए जाने की मांग को लेकर सपाइयों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि भाजपा गरीबों के हित की बात करती है, लेकिन सालों से आवास बनकर तैयार है, उसके बावजूद गरीबों को आवास आवंटित नहीं किए गए हैं। लोग पॉलिथीन डालकर रहने को मजबूर है। कहा कि सपा सरकार जाने के बाद प्रदेश सरकार इन आवासों की ओर मुड़कर नहीं देखा। सपा शासन काल में गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए आसरा योजना के तहत छिबरामऊ कस्बा में शंकर रोड पर 26 करोड़ की लागत से 444 आवासों का निर्माण कराया गया था। सरकार बदलते ही योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज तक गरीबों को आवास आवंटित नहीं किए गए। सोमवार को सपा नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सरकार पर गरीबों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नवाब सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आसरा योजना संचालित की जाती थी, जिसमें केंद्र सरकार रुपये देती है और राज्य सरकार आवासों का निर्माण कराती है। 2009 में बसपा सरकार में 17.5 करोड़ रुपए आए और आवास बनकर तैयार हुए। 2015 में सपा शासन काल में 12.5 करोड़ रुपए आवासों का अधूरा काम करने के लिए आए, जिसके बाद आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराने का काम किया गया। 26 करोड़ की लागत से 444 आवास व पानी की टंकी बनकर तैयार है, लेकिन सपा सरकार जाने के बाद किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। कहा कि भाजपा सरकार गरीबों की हितैषी बताती है, आवास बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक गरीबों को आवास नहीं बांटे गए हैं। सर्दी के मौसम ने दस्तक दे दी है, लोग पॉलिथीन डालकर रहने को मजबूर है। कहा ढूंढ ढूंढ कर अपनी ही पार्टी वाले को दे दो, किसी का तो भला होगा। कनौज से हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। बैठे कहां पर बैठे हुए हैं हम लोग? ये आसरा योजना के माध्यम से गरीबों को आवास देने की एक योजना थी। ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा संचालित थी, पैसा दिया जाता था, प्रदेश सरकार का दायित्व तो बनता था। 2009 में मायावती सरकार में राजीव गांधी आवास योजना के तहत 17.50 करोड़ रुपए, यानी 17.5 करोड़ रुपए आए और आवास बन के तैयार। उसके बाद 2016 में 15 में और अधूरा काम पूरा करने के लिए करीब 12 करोड़ रुपया आया और आवास बने। लगभग 26 करोड़ रुपया लग के 2017 के बाद किसी ने, सरकार जाने के बाद किसी ने इसे देखा नहीं। ऐसा नहीं कोई पैसा उस समय आया था मायावती सरकार में, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार ने उसे आगे बढ़ाया और पैसा लाके काम को पूरा कराने की कोशिश की गई। लेकिन 17 के बाद आप चारों तरफ नजर डालें, 444 आवास बन के तैयार खड़े हैं, पानी की टंकी बन के तैयार खड़ी है, किसी को सरकार दे दे। लोग सड़कों पे लेटते हैं, गाड़ियां चढ़ जाती हैं, लोगों को सर ढकने के लिए हिंदुस्तान में की बात पूरे ना करो, लेकिन कन्नौज में मैं देखता हूं पॉलिथीन में लोग रह रहे हैं। अरे भाई किसी को दे दो, ढूंढ ढूंढ कर अपने पार्टी वालों को दे दो, समाज में किसी का तो दर्द कम होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजर एक दफे इन आवासों के तरफ नहीं गई और गरीबों पे नहीं गई। और यही नहीं, मोहन नंगला में भी 84 आवास बने खड़े हुए हैं, वो अलग हैं। आज हम समाजवादी लोग जनता को दिखाने आए हैं, बताने आए हैं
कि 2022 में विकास के नाम पे, गरीबत के नाम पर तमाम लोग आपके बीच आएंगे और कहेंगे हमने ये किया। आप सवाल पूछ लेना गरीबों कि पिछली सरकार ने आवास दिए थे, बने खड़े हैं, आप हमें प्रवेश नहीं करा पाए। ये तो गरीबत की बात करते हैं, कहेंगे कि हम 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, 5 किलो चावल दे रहे हैं। 75 साल में अगर हिंदुस्तान की यही उपलब्धि हो और हमारे पूर्वजों ने यही सपना देखा हो, अपनी कुर्बानी देके भारत को आजाद कराया हो कि 75 वर्ष बीत जाने के बाद हिंदुस्तान का आदमी पेट भरने के लिए, अपने बच्चों के पेट भरने के लिए 5 किलो आटा और 5 किलो गेहूं पे निर्भर होगा, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की और बात नहीं हो सकती। क्या बात हो सकती है? और इससे ये उपलब्धि बताते हैं, यही दुर्भाग्य है कि 75 वर्ष बीत जाने के बाद दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। तुम विश्व गुरु बनने की बात करते हो और 80% लोग 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल के सहारा।